देन वी गॉट द मेंटल मॉन्स्टर. मेंटल मॉन्स्टर क्या है? सब लोगों को बचपन में मेंटल मॉन्स्टर से डराया जाता रहा है और इस मेंटल मॉन्स्टर का हमारी लैंग्वेज में नाम है बहू. कितने लोगों ने बचपन में कहा अम्मी बहू? कहा कि नहीं कहा? हाँ, सबने कहा होगा. और हम लोगों को जब बच्चे सोते नहीं है, बच्चे तंग कर रहे हैं, बच्चे जिद कर रहे हैं, मेंटल मॉन्स्टर बहू आ जाएगा, चुप कर जो. और जो डरने वाले होते थे वो डर जाते थे. एक और नाम था, मैंने अपने घर में ये सुने, अपने बच्चों को डराता था उससे, वो था वर्ड अंधेरे की मां. बड़ा डेंजरस सा नाम लेके ना, कि बेटा सो जाओ वरना अंधेरे की मां आ जाएगी, और फिर वो आ गई ना तो तुम सोच भी नहीं सकते क्या होगा. और बच्चे दुबक के सहम के आराम से सो जाते थे. वो क्या था? दैट वॉज द मेंटल मॉन्स्टर. ये एक अलग डिबेट है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. ओके, मैंने एक दफा अपने, वो मेरा बेटा, हमारे नेबरहुड में एक मेरा दोस्त है बिलाल मलिक उसका नाम है, अच्छा खासा ऊंचा लंबा जवान, वो उससे ना डरता था. होते ना बच्चे किसी एक को देख के कितना बड़ा वो है, एंड उससे वो डरता था. क्या हुआ, उससे डरता था. जब वो कोई कहना नहीं मानता तो उसे कहते तो ए, बिलाल आ जाएगा. जब भी वो सुनता था बिलाल आ जाएगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए एक अलग बात है, तो वो बच्चा डर जाता था. एक दिन मैंने क्या किया, अपने मोबाइल में ना मैंने कहा यार बिलाल मुस्तैन रात को ना सोता नहीं है, तंग करता है, खेल में लगा रहता है, सुबह स्कूल भी जाना होता है. तो मैंने कहा यार ये एक ऑडियो रिकॉर्ड करवा दे मोबाइल में. वो बिलाल ने ऑडियो रिकॉर्ड करी, मुस्तैन के बच्चे सो जा, अगर तू नहीं सोया मैं अभी आऊंगा फिर मैं तुझे बताता हूँ. ऑडियो रिकॉर्ड होगी. मैंने कहा नहीं सो रहा, अभी मैं बिलाल अंकल को कॉल करता हूँ. बिलाल अंकल को कॉल क्या करनी थी, ऑडियो प्ले की, आवाज आई मुस्तैन के बच्चे. आगे तक ऑडियो जाती नहीं थी, उससे पहले ही मुस्तैन जो है वो दुबक के आराम से गहरी नींद में चला जाता था. तो मतलब अच्छी बात नहीं है जो भी है, लेकिन ऑल दीज आर द मेंटल मॉन्स्टर्स. अब वो मेंटल मॉन्स्टर्स ही तो हैं. रात के 12 बजे कब्रिस्तान में जाने से क्यों डर लगता है? क्यों डर लगता है? हाँ, कितने लोग हैं जो जा सकते हैं? ये इनको भेज देते हैं आज. इनको आज भेज देते हैं. ओके जी, प्लीज प्लीज. भाभी ही तो करती थी, भाभी ही तो करती थी. बाद में मुझे भी डर लगने लग गया था कि वाकई कोई चीज है. शी क्रिएटेड दैट. हर घर के मेंटल मॉन्स्टर मुख्तलिफ होते हैं. ओके और अच्छा, आप उस दौर के बच्चे थे कि सो जाओ पापा आ जाएंगे, राइट? आजकल के बच्चे को कहो ना कि बेटा सो जाओ वरना तुम्हारे पापा को बताऊंगा, पापा खुद आपसे डरते हैं. और माँ को बच्चे ने काबू किया होता है, राइट? तो बस ये कि वो गोल दायरे में सारे एक दूसरे को डरा रहे हैं.